नमस्कार दोस्तों, झारखंड में 66 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी तनाव में है। तनाव में इस वजह से है क्योंकि उसके तमाम नेता बीजेपी से नाराज हो गए हैं। तमाम नेताओं ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। ये फहरिस्त बड़ी लंबी है, राज पालीवार से लगाकर मेनका सरदार तक। लेकिन दोस्तों, ताजा जो झटका लगा है बीजेपी को वो ये कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी लुईस मरांडी, जो महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं, उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन से मुलाकात करके लुईस मरांडी जेएमएम में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा दोस्तों, तमाम नेता, कुणाल षडंगी वो भी जेएमएम में आ गए हैं, गणेश महली बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी जेएमएम में आ गए हैं, अमित महतो पहले ही बीजेपी छोड़कर जेएमएम में आ गए थे। यानी कि झारखंड में जेएमएम के कदम लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार मजबूत हो रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी जिसको ऐसा लगता था कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको झारखंड का सह प्रभारी बनाया, इसका फायदा मिलेगा, हिमंता बिस्वा ने अपनी पहली बैटिंग बिल्कुल ठीक की। चंपाई सोरेन को जेएमएम से तोड़कर बीजेपी के पाले में ले आए, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है। पोटका की सीट है जहां पर अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट मिला और मेनका सरदार का टिकट कटा। मेनका सरदार 3 बार की विधायक थी, उनकी नाराजगी है दोस्तों। ऐसे ही तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नाराजगी झेलनी पड़ रही है क्योंकि पूरी लिस्ट में सिर्फ बाहरी लोगों को मौका दिया है, दल बदलू लोगों को मौका दिया है और परिवारवाद के नाम पर टिकट बांटे गए हैं। चंपाई सोरेन को टिकट मिला, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला, रघुवर दास की बहू को टिकट मिला, जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय चुनाव लड़ना चाहते थे जो जेडीयू कोटे से थे, लेकिन उनकी जगह पूर्णिमा दास जो रघुवर दास की बहू है वो चुनाव लड़ रही हैं। बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दिया गया है और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आ गई उनको भी टिकट दिया गया। यानी दोस्तों, पूरी लिस्ट परिवारवाद से भरी है। स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते थे उनको किनारे कर दिया गया है। दूसरे दलों से आए हुए नेता भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से हावी हो गए हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। हेमंता खुद परेशान है, नेताओं को मैनेज नहीं कर पा रहे, नेता इतने नाराज हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हेमंता हो, भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों के कंधों पर झारखंड की कमान डाली है, लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं को नहीं मना पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जेएमएम है जहां शामिल होने के लिए होड़ मची है। जेएमएम में लगातार अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे आजसू के नेता हों, तमाम नेता अपनी पार्टियां छोड़ छोड़कर जेएमएम के साथ आ रहे हैं क्योंकि झारखंड की जो सियासी फिजा है, झारखंड का जो सियासी माहौल है वो ये बता रहा है कि झारखंड में जो गठबंधन है जिसमें जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वाम दल है, ये गठबंधन बेहद मजबूत है और ये गठबंधन इतना मजबूत है कि ये बीजेपी को 20 सीटों से नीचे धकेल सकता है। और दोस्तों, अगर झारखंड की राजनीति में ऐसा होता है, क्योंकि छोटा राज्य है, 81 सीटें हैं, अगर ऐसा होता है तो इसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। दोस्तों, जिस अंदाज में लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नाराजगी जता के अचानक जेएमएम में शामिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरह से कल्पना सोरेन ने माहौल बदलने की कोशिश की है, कल्पना सोरेन ने एक नया नारा दिया है दोस्तों, वो नारा क्या है वो भी मैं आपको चाहता हूं कि सुनाऊं, वो आप नारा सुनिए और किस अंदाज में कल्पना सोरेन आक्रामक हैं वो भी सुनिए। आपने झारखंड के स्वाभिमान को जेल में डालने का जो कुरक किया है उसको खामियाजा आपको 2024 के चुनाव में मिल जाएगा। जितने बड़े बड़े नेता हैं आप लेकर के आइए, झारखंड का हर एक सिपाही तैयार है, हमारी माताएं बहनें तैयार हैं, क्योंकि अगर चेहरों में खुशियां देने का काम किया है योजनाओं के तहत वो हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज मैया सम्मान योजना की बात होती है, झारखंड में फिजा चल रही है, वो फिजा है मैया की। वो किस लिए मैया की है कि हमारी माँ की ताकत को अगर सशक्त करने का काम करने किया है तो वो हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। और ये झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है
कि घर में रहने वाली एक गृहिणी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके पंखों को मजबूत करने का काम किया है, हमारी बेटियों को उनका जो सपना है कि आगे बढ़े सावित्री बाई फुले से जोड़ने का काम किया है, सर्वजन पेंशन हो, भूसा हरित ग्राम हो, योजनाओं की लड़ी लगी हुई है। अगर आप काम के दाम पर आएंगे तो मैं आप बोलेंगी, आप गर्व से बोलिएगा कि आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, क्योंकि वो आपका दादा है, वो आपका बेटा है। और अगर आपका दादा आपका बेटा नहीं सोचेगा तो झारखंड में आपके लिए और कौन सोचेगा, क्योंकि उनके पिताजी ने अपना बचपन, अपना जवानी, अपना पूरी उम्र लगा दी झारखंड को खुशहाल देखने के लिए। और आज ये जिम्मेदारी आप सबों की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारी माता और बहनों की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारे गुरुओं की बनती है, ये जिम्मेदारी हमारे बड़े बुजुर्गों की बनती है कि हेमंत जी को मजबूत करना है। और ये मजबूत करके हम अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये झारखंड हमारा है। और बाहरी वाले लोग जितने आकर के यहाँ पे अपने बातें रखने का काम कर रहे हैं, उनको हम चेता देना चाहते हैं, क्रांतिकारियों का खून यहाँ हर एक बाशिंदे के अंदर में है, और वो क्रांतिकारी खून अब अपना जवाब मांग रहा है, अपना हिसाब मांग रहा है। और झारखंड में सिर्फ एक नारा हो रहा है, झारखंड में सिर्फ एक नारा है, हेमंत दोबारा है। क्या है? अब दोस्तों, कल्पना सोरेन का प्रचार बेहद आक्रामक है, वो लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रही हैं कि जेल का जवाब जीत से दिया जाएगा, झारखंड के लोग हेमंत सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं, झारखंड का एक ही नारा है, हेमंत दोबारा है। तमाम तरीकों से झारखंड के चुनाव की बाजी को पलटने में कल्पना सोरेन लगी हुई हैं। कल्पना सोरेन खुद गांडेय से प्रत्याशी हैं, लेकिन झारखंड की हर सीट पर वो स्टार प्रचारक की तरह काम कर रही हैं। और अब दोस्तों, जिस तरह से झारखंड के अंदर चुनावी माहौल पूरी तरह से चरम पर है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी ताकत के साथ हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करना चाहती है, ये पूरी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। और इस पूरी लड़ाई का अंजाम क्या होगा, ये अंजाम पता चलेगा 23 नवंबर को। 23 नवंबर को झारखंड की 81 सीटों का नतीजा सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।